पूरा मामला जिले बदायूं के विकासखंड इस्लाम नगर का है, जहां बीएलओ और पर्यवेक्षक शासन के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। एक और कहा जाए तो ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। पूरा मामला ये है कि विकासखंड इस्लाम नगर के गांव चंदोई में शासन के आदेश अनुसार पुनरीक्षण वोट बनाने कार्य सौंपा गया था, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि बीएलओ और पर्यवेक्षक द्वारा ग्रामीणों ने वोट बनवाने के लिए आवेदन दिए थे, जिसमें उनके आवेदन को रद्दी में फेंक कर गणना कार्ड की प्रति उपलब्ध न कराने की शिकायत 7 नवंबर 2020 को समस्त उच्च अधिकारियों से लिखित रूप में की गई है। यहाँ पर जो ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, इन लोगों का आरोप है कि हमारे वोट बनाए नहीं गए जाए, और जो लोगों के वोट जायज हैं और जो यहाँ मौजूद हैं उन लोगों के वोट काट दिए गए। क्या मामला? शिकायत तो यही है, हमसे भी शिकायत करनी है। कौन कौन है इस टीम में? मैं हूँ, प्रभारी खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, ग्राम पंचायत सचिव हमारे संजीव बाबू, और ग्राम पंचायत अधिकारी रविंदर सिंह, रविंद्र कुमार, और ग्राम पंचायत अधिकारी आस मोहम्मद, ग्राम विकास अधिकारी रत्नाकर यादव। 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। जो भी शिकायत है उनका निस्तारण किया जाएगा और ग्रामीणों को संतुष्ट किया जाएगा। नहीं, शिकायत निस्तारण किया जाएगा या कार्रवाई भी होगी? हम तो केवल निस्तारण करने की बात कह रहे हैं। कार्रवाई करने वाले अधिकारी उच्च अधिकारी हमारे स्तर से कार्रवाई नहीं होती है। क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि यहाँ पर जो व्रत पुनरीक्षण हुआ था पंचायत निर्वाचन मतदाता सूची के लिए, उसमें यहाँ पर जो बीएलओ तैनात थे अमरपाल सिंह और सुपरवाइजर राजीव कुमार, उन्होंने यहाँ पर जायज वोट नहीं बनाए, और साथ ही साथ उन्होंने जो वोट मतदाता सूची में थे कुछ वो वोट काट दिए। उसमें शिकायतें की, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तहसील दिवस दिए गए, तहसील दिवस के निस्तारण में सुपरवाइजर राजीव कुमार जी ने और बीएलओ अमरपाल ने, इन दोनों लोगों ने निर्वाचक गणना कार्ड ऐसे तैयार कर जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए, तहसील दिवस के डिस्पोजल में दाखिल कर दिए। अब हमारा मामला ये है कि जो मतदाता सूची है उसमें जो निर्वाचक गणना कार्ड इनके द्वारा फर्जी तैयार किए गए हैं उनके नाम नहीं है, तो इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। इन्हों उस संबंध में ये जांच हुई है, जांच के बिंदु ये हैं, इन्होंने कैकसा और नेहा फरमान अली और कमरुल निसा नाम के निर्वाचक गणना कार्ड तहसील दबस संख्या 1143 और 1144 के निस्तारण में दाखिल किए। उन लोगों के नाम ना तो प्रवर्धन सूची में आए हैं, ना अनंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में है, ना ही अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में है, तो इनके खिलाफ हमारी FIR की मांग है। दूसरी मांग यह कि जो भी गलत तो वोट काट दिए गए हैं या जो जायज वोट हैं और वो बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ाए गए हैं, उन सब वोटों को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को अपने मताधिकार का अधिकार मिल सके, वो अपना मत दे सकें, और जो लोकतंत्र है उसका पूर्ण रूप से पालन हो सके, उसका गला ना घोटा जाए। आज अगर आपकी समस्या का ये समाधान नहीं हुआ तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे? आगे हम निर्वाचन आयोग हाई कोर्ट तक जाएंगे और वहाँ अपना पक्ष रखेंगे, दोषियों के लिए सजा दिलाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। कितने वोट कटे हैं लगभग? लगभग काटे हैं 10-20 वोट तो फर्जी गलत काट दिए जो का नहीं कटने चाहिए थे। नहीं, फर्जी काट दिए, फर्जी तो कटने नहीं, नहीं ऐसे काट दिए, गांव में रह रहे हैं जो मौजूद हैं जिनके वोट होने चाहिए थे वो काट दिए, और करीब 200-300 वोट ऐसे जो जायज हैं वो नहीं बनाए हैं, जबकि लोगों ने बनाने के लिए। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन